सिटी मजिस्ट्रेट सीओ की छापेमारी से मचा हड़कंप, होटल में हुई औचक छापेमारी। संदिग्ध परिस्थितियों में मिले 5 लड़के 5 लड़कियां, पूछताछ में होटल में रहने का नहीं बताए पाए उचित कारण। होटल मालिक सहित सभी को भेजा गया कोतवाली, होटल को किया गया सीज। कार्यवाही से अन्य होटल मालिकों में मचा हड़कंप। ऑक्टेंटगंज क्षेत्र अंतर्गत अमित होटल का है मामला। जीवन 24 न्यूज के लिए मोमशद अहमद की रिपोर्ट। जांच करने लगी तो सभी 16 कमरों की जांच कराई गई और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब पूरी फोर्स आके मैं भी आया और सब लोग मिल के एक इसका रेड किया गया। रेड में पाया गया 5 कमरों में महिला और पुरुष बंद कमरों में पाए गए। उनसे जब पूछताछ की गई तो कुछ भी बताने में असमर्थ है और इसलिए उनको पूछताछ के लिए कोतवाली ले जाया गया। तो जो पकड़े गए हैं जो महिला पुरुष हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 महिलाएं 5 पुरुष हैं। तो ये कहाँ के हैं ये लोग? ये अब जांच के बाद पता चलेगा, उनसे पूछताछ के बाद पता चलेगा, क्योंकि उनके पास कोई आईडी या इस तरह की जानकारी वो कुछ भी बताने से बता नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको ले गया है। वो उनकी तफ्तीश होगी, जाँच होगी, पूछताछ होगी, उसके बाद उनके खिलाफ जो भी देह व्यापार आदि के तहत जो भी कार्रवाई की जाएगी। होटल मालिक है उनसे आप होटल कब से ये पूरा होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। होटल मालिक भी कोतवाली में है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ भी देह व्यापार और सना एक्ट में के तहत उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया जाए। और क्या इस रेड के बाद शहर में क्योंकि और भी जगह शिकायतें आती रहती हैं तो क्या और भी होगा? निश्चित रूप से जहाँ भी इस तरह की कार्रवाई होगी, इस तरह का कार्य किया जा रहा होगा, सभी जगह इस तरह से संयुक्त टीम द्वारा रेड किया जाएगा और अगर इस तरह की कार्रवाई चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको सील किया जाएगा और अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। सर, ये रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला है, जो होटलों का रजिस्ट्रेशन है, कितने ऐसे अवैध होटल है जो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कुछ है? हमारे यहाँ पूरे नगर में एक ही होटल रजिस्टर पंजीकृत है सराय टीम के तहत, बाकी कई कुल 21 होटल हैं जो प्रक्रिया में है, मतलब ढेर सारी NOC वगैरह की जरूरत होती है वो प्रक्रिया में है और इनको जल्द ही पूरा करा के पंजीकृत करा दिया जाएगा जो मानक को पूर्ण कर रहे हैं। Thank you.